हिमाचल में तीन विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों को लेकर प्रचार के साथ नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है। मुख्यमंत्री की पत्नी को देहरा से चुनाव लड़वाने को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात कह रही है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे जहां की नागरिक है उनका मायका देहरा में है और उनका बचपन वहीं बीता है। कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया है और सबकी राय के बाद उन्हें टिकट दिया गया है। बीजेपी के आरोपों का कोई आधार नहीं है। पिछले 8 सालों से ये मेला हर साल यहाँ पर लगता है। इसकी शुरुआत माननीय वीरभद्र सिंह जी ने 8 साल पूर्व में की थी और वो काफी रुचि लेते थे साहित्य में और प्रकाशन में, और उनके द्वारा बहुत प्रोत्साहन लेखकों को भी मिलता था और जो प्रकाशन करते हैं उनको भी मिलता था। तो उसी कड़ी में ये हर साल ओकाट के हमारे सचिन जी आते हैं और हर साल इस मेले का आयोजन करते हैं। इस बार इन्होंने रिज मैदान में इसका जो ये मेला लगाया है उससे बहुत से हमारे टूरिस्टों ने भी फायदा उठाया। मैं एक दिन आई थी, मैंने देखा यहाँ कि बहुत सा टूरिस्ट हमारा आकर्षित हो रहा था, खास करके नौजवान पीढ़ी बच्चे वो रुचि ले रहे थे, देख रहे थे कि हमारे को हमारी इंटरेस्ट की कोई किताबें मिले। बहुत सी किताबें खरीदने में वो रुचि दिखा रहे थे, जो कि एक हर्ष का विषय है, क्योंकि आज के समाज में जब से ये हमारा टीवी और मोबाइल का ज़माना आया उससे थोड़ा मुझे लगा कि कुछ कमी आई है, बच्चे ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे किताबें पढ़ने में। तो मेरे को लगता है कि अगर इसी तरह से हम इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे और ऐसा मेलों का आयोजन हर साल होता रहे तो बच्चों को भी उससे रुचि होगी, वो भी यहाँ पर सस्ते दामों में किताबों को ग्रहण करेंगे, लेंगे, खरीदेंगे और उनको अवश्य पढ़ेंगे भी। देखेंगे, प्रयास करना हमारा फर्ज है। हम भरी हर क्षेत्र में ये जो तीन हमारे उपचुनाव हो रहे हैं उसमें मैंने जाकर वहाँ पर अनुमान भी लगाया और लगता है कि आज के हालात को देखते, आज की परिस्थिति को देखते हुए अवश्य, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब भी सत्ता में रही जो काम किए हैं वो अस्मरणीय है। लोग अभी भी याद करते हैं कि ये सारा विकास का कार्य कांग्रेस के शासन में हुआ है। तो इन बातों को याद रखते हुए अवश्य कांग्रेस पार्टी को लोग अपना कीमती वोट देंगे और हमारी ये जो तीन महत्वपूर्ण सीटें इसमें अवश्य हमारे कैंडिडेट्स को विजय बनाएंगे।